वी विल टॉक अबाउट फ्यूल्स। और फ्यूल्स जो है हमारे पास, हमने जो क्लासिफिकेशन किया है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के टर्म में या नॉन रिन्यूएबल के टाइम में, तो फ्यूल आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल। क्या है ये? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिकॉज क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात को कि फ्यूल को आपने एक बार बर्न कराया, बन करा गैस बन की, तो रिन्यू नहीं हो रहा। दूसरा यह है कि एक बार आपने उसको अर्थ में से निकाल लिया है या ओशियन में से, जहाँ से भी फ्यूल निकलते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कोल वगैरह हो गए तो वो अर्थ से निकलते हैं, और जो आपके पास फ्यूल है क्रूड ऑयल ये सब, वो आपका ओशियन में से या जैसे अरब कंट्रीज़ में अर्थ के अंदर से भी ड्रिल करके निकालते हैं। तो जहाँ से भी आप निकालते जा रहे हो तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और यही चिंता वाली बात है। दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। हमने जो अब तक डिटेल में काफ़ी पढ़ा है, हमने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा, विंड के बारे में, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड ऑल दैट, वो सब हम इसीलिए सर्च कर रहे हैं बिकॉज वी नो कि एक ना एक दिन ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने पढ़ा। अब हम फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अ फ्यूल इज़ अ केमिकल विच रिलीज एनर्जी व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हो तो ये फ्यूल क्या करता है, आपको बहुत ही अच्छी अमाउंट की हीट देता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस एनर्जी मे रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ये जो एनर्जी है आपके पास हीट या लाइट की फॉर्म में भी निकलती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपको यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने पुराने टाइम में लैंप देखे होंगे तो लैंप के अंदर एक ऐसे वो बत्ती सी लगाते होते थे और वो जलती थी, उसके ऊपर चिमनी लगा देते थे तो लाइट निकलती थी उससे, या वो एक पेट्रोमैक्स टाइप आते थे, वो सब चीज़ें। तो लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको आप, और हीटिंग पर्पस के लिए भी। तो फ्यूल में अगर हम बात करते हैं, जैसे वुड है, गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, कोल, एनिमल वेस्ट, काउडंग जिसको हम स्लरी बना के उसमें भी यूज़ करते हैं, तो काउडंग सुखा के अगर उसको यूज़ करते हैं तो फिर वो एक फ्यूल की तरह हीट देने के लिए भी यूज़ में आता है। फ्यूल्स आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या होता है इनका? कंबस्चन होता है, ठीक है, कंबस्चन आपको पता ही है, ठीक है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्यूल्स क्या है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स। मतलब ये इनकी फिजिकल स्टेट के ऊपर वाला क्लासिफिकेशन है कि फिजिकली वो किस फॉर्म में अपीयर होते हैं, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड फ्यूल्स। पहले सॉलिड फ्यूल की बात कर लेते हैं। Various kind of solid fuels are wood, charcoal, coke, coal, paraffin and tallow. अब ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास सॉलिड स्टेट में होती हैं और जिनको आप फ्यूल की तरह यूज़ करते हो। Wood was the first solid fuel to be used by humans. सबसे पहले humans ने क्या किया आदि मानव के काल में, ancient history of man में, कि उन्होंने wood को use किया heating purpose के लिए, जब उन्होंने सबसे पहले जो फायर है उसको डिस्कवर किया। पैराफिन एंड टैलो आर यूज टू मेक कैंडल्स। जो हमारे पास मोमबत्तियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए पैराफिन या टैलो, वो भी क्या है हमारे पास, वो फ्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कैंडल्स वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव लिक्विड फ्यूल्स। अब हमारे पास क्या है, लिक्विड फ्यूल, यानी कि जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मैथनॉल आर सम कॉमन लिक्विड फ्यूल्स। मोस्ट लिक्विड फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पेट्रोलियम से निकलते हैं, और उनके लिए एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या इस तरह का कोई भी प्रोसेस जो होता है वो यूज़ करते हैं हम, कि अलग अलग डेंसिटी के फ्यूल्स जो हैं अलग अलग पर्पजेज के लिए हम यूज़ करें। दे लीव नो सॉलिड रेजिड्यू व्हेन बर्न्ड एंड कैन बी स्टोर्ड ईजीली। जब आप उनको बर्न करते हो लिक्विड को, लिक्विड फ्यूल जो है आपके पास, तो जब उसको बर्न करते हो आप तो कोई सॉलिड रेजिड्यू नहीं बचता है आपके पास। जैसे अगर हम कोल की बात करते हैं तो कोल को आप जलाएंगे या वुड को जलाएंगे तो आपके पास राख बचती है, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है, जो भी है वो जल गया और जलने के बाद जो गैसेस तो निकलती ही हैं जो इन्वायरमेंट को हार्मफुल भी करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी इंक्रीज करती हैं, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को रेज करती हैं, बट सॉलिड रेजिड्यू कोई नहीं बचता है आपके पास। नेक्स्ट वी विल कम टू गैसियस फ्यूल्स। नेचुरल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स। ये क्या है हमारे पास,
गैसियस फ्यूल्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, गैसेस को एक फ्यूल की तरह ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने लिक्विड फ्यूल की बात करी और गैसियस फ्यूल की बात करी, तो हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर आता है जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी। वो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब है तो वो लिक्विड, ठीक है, तो अंदर सिलेंडर के अंदर है तो वो एक लिक्विड के फॉर्म में है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो गैस क्या हो गया, कंप्रेस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। बट जब बाहर आके बर्नर के अंदर वो बर्न होती है तो वो गैसियस फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स और प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। देखो, हमने अभी जो फ्यूल्स की बात की है, तो उनमें से काफ़ी जो है वो फॉसिल फ्यूल के टाइप्स ही हैं। और फॉसिल फ्यूल क्या है बेसिकली, कि बहुत टाइम पहले अगर हमारे पास क्या हुआ होगा, सपोज करो पहले के टाइम में बहुत प्लांट होते थे, जंगल बहुत होते थे, है ना, और फिर कोई ऐसे नेचुरल डिसास्टर हुआ कि वो सारे प्लांट्स ट्रीज और पूरी जो नेचर थी वो क्या होगी, अर्थ की क्रस्ट के नीचे चली गई, मतलब फ्लड आया होगा या लैंडस्लाइडिंग हुई होगी, ऐसा कुछ भी डिसास्टर हुआ होगा, तो फिर क्या हुआ, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम निकलता गया मिलियन ऑफ ईयर के बाद, क्या हुआ, उसमें से कुछ चीज़ें आपकी क्या बन गई, पेट्रोलियम बन गया। ठीक है, मतलब जो प्लांट थे उनकी जो पत्तियां थी और छोटी टहनियां और वो सब था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम में। और जो बड़े बड़े लॉग्स थे, ठीक है, जो बड़े बड़े पीसेस थे लकड़ी के, पेड़ की जड़ें तना वो सब, उनका क्या बन गया, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता ही है कि जब वो लैंड के जमीन के नीचे दब गए हैं तो वहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, तो फिर वहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, फॉसिल फ्यूल्स। केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नीचे जब प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा, हीट एंड बैक्टीरिया कन्वर्ट द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंटू फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सब चीज़ें किससे बन गई है आपके पास, उन्हीं नेचुरल चीज़ों से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है हमारे पास, उनका जो एक सोर्स है, जो ओरिजिन है, वो भी कहाँ क्या क्या है, वो सोलर एनर्जी ही है। किस सेंस में, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर सोलर एनर्जी नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट ग्रो ही नहीं करते, वो बड़े ही नहीं होते, और अगर बड़े नहीं होते तो फिर जो लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठर जो कोल में कन्वर्ट हुए हैं वो कहाँ से आते, और जो हरी पत्तियाँ छोटी टहनियाँ और वो सब चीज़ें थी तो वो पेट्रोलियम में भी कन्वर्ट ना होती। सो दैट इज वाई सोलर सेल इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट वॉज द सनलाइट ऑफ लॉन्ग एगो दैट मेड प्लांट्स ग्रो विच वर देन कन्वर्टेड इन टू फॉसिल फ्यूल्स। बिल्कुल यही एग्जैक्टली पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, कि कैसे सनलाइट का रोल है फॉसिल फ्यूल के फॉर्मेशन में भी। इट सीम्स इनडायरेक्ट बट ये इफेक्ट है, इसी की वजह से है। फॉसिल फ्यूल्स आर एनर्जी रिच कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन तो है ही, ये तो आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस में भी वहाँ पे आपके पास जो C12H12 क्या बनता है, वो C6H12O6 बनता है, तो ये सब कार्बन के ही कंपाउंड है। विच आर ओरिजिनली मेड बाई प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी। सन की एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस हुआ जिससे आपके ये कंपाउंड बने हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास फ्यूल्स। अब अगर हम फ्यूल्स की बात करते हैं, तो फ्यूल में ना फ्यूल एफिशिएंसी एक इम्पोर्टेंट टर्म होता है। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि पर ग्राम, 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पे कितने जूल, हाउ मच जूल हीट या एनर्जी आपको मिलती है, इसे हम बोलते हैं फ्यूल। तो कोई भी फ्यूल उतना अच्छा होता है अगर कि जितना कम क्वांटिटी जलाने पे उसकी, या कम क्वांटिटी को बर्न करने पे कितनी ज़्यादा हीट मिलती है आपको। मतलब अगर आपको ज़्यादा हीट मिलेगी, ठीक है, अगर हीट मोर, तो इसका मतलब है कि फ्यूल एफिशिएंसी इज मोर। फ्यूल एफिशिएंसी भी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। और इस सेंस में जो हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल। अब हाइड्रोजन की अपनी लिमिटेशन है कि भाई उसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के वैसे फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं कि फ्यूचर में हाइड्रोजन से ही हमारी कारें चलेंगी, ये होगा वो होगा, तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर।